अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डे ब्लॉग। तो जनी सीन है कि आज मैं आपको कराची के रोडों के साथ साथ कंपनी भी दिखाऊंगा। अब ये कंपनी जा रहे हैं तो वहाँ देखते हैं क्या काम कर रहे हैं हम। एक मशीन है बड़ी सी प्रिंटिंग की, उससे फिट करें तो आपको दिखाते हैं कि प्रिंटिंग मशीन होती कितनी बड़ी और उसमें क्या प्रिंट। हाँ तो भाई, हम कंपनी आ गए, ये पीछे गुड़ाउन है, इसके अंदर जाना है, मशीन फिट करनी है। और बताना सिर्फ ये है कि यहाँ जब हम आते हैं तब बिल्कुल साफ़ होते हैं, बिल्कुल हाथ पाँव सब कपड़ों को छोड़ के, मगर जब हम यहाँ से जाते हैं ना घर तब कुछ भी साफ़ नहीं होता। यानी सीन ये कि औजार ही नहीं है दांतों से, दोनों टाइट करने से रहे। तो अब जब तक चाचू नहीं आते हम बाहर बैठकर इंतज़ार करते हैं, हवा में अच्छे माहौल में बैठकर इंतज़ार करते हैं चाचू का कि वो आए, लोकर खोले और हम औजार निकालें। बाय द वे, कंपनी में जो शॉर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, अब आधा दिमाग तो वैसे कंपनी में ख़राब हो जाता है। जाने के लिए कोई सीढ़ी वीढ़ी तो है नहीं, हमें यहीं से कोई जगह सजेस्ट करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा। तो यहाँ से उतर के कराची का ये कई सालों तक आगे हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले दो साल से मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ आउटडोर का, और शदीद गर्मी बारिश, मतलब इतने बुरे हाल में मैंने काम किया कि क्या बताऊँ। और गर्मी तो इतनी होती थी कि पैंट भी गीली हो जाती थी पसीने से। मगर अभी जो एक 15-20 दिन से जो मौसम चल रहा है बारिश का, हल्की हल्की बारिश और मौसम, मतलब दिल खुश कर दिया कराची ने। तो सी नहीं है कि जब तक चाचू आ रहे नहीं है तब तक हम चाय भी किया जाए। तो वहाँ जो होटल है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि बंद है पूरी तरह से, शटर वगैरह सब गिरे हुए। यहाँ पर कोई ढाबा है। तो अभी सीन ये हो गया है कि इतने दूर तक सफ़र करके ऐसे ही होटल तो हमें बंद मिला। अब रोड के किनारे बैठ के ढाबे से चाय लेके हम यही रोड पर बैठ के पियेंगे, मगर चाय पियेंगे तो। हाँ तो भाई सीन ये कि अभी हम चाय पीने निकले हुए थे, मगर इंतज़ार करते रहे कि चाचू को, और चाचू भी तक आए नहीं, और यहाँ पर जल्दी आने का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये कंपनी है, यहाँ पर मशीन फिट करने आए थे, और हमने ये सीन कर दिया कि हम यहाँ मशीन फिट करने तो आए हैं मगर हमारे पास औजार ही नहीं है, क्योंकि औजारों का जो बॉक्स है वो अंदर है और उस बॉक्स में ताला लगा हुआ है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ बैठ के हवा खा सकते हैं, और जब तक चाचू नहीं आते तो चाचू का इंतज़ार करते हैं। कॉल की है, कह रहे थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और पता नहीं कि चाचू के थोड़ी देर होते कब, जब तक हम इंतज़ार करते हैं। ये जो हमारे चाचू मोहतरम है वो आ गए, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है कि 11:15 का टाइम हो रहा है, और हम 10 बजे के आए हैं। वैसे अब हम लोग एक सीन हुआ, वो ये हुआ कि मैंने टूल बॉक्स अपना खोला, उसमें औजार देखे, तो जिस औजार से हमें ये सब टाइट करने हैं वो तो अंदर थे ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ रखे हुए थे। और अगर ये चाचू ने देख लिया, ब्लॉग में देखेंगे मसला नहीं, मगर यहाँ देख लिया तो हमारी सही की क्लास हो जाएगी। तो हम बड़ा बड़ी उठा के ऊपर निकलते हैं अपना काम। तकरीबन अभी ऊपर मशीन तकरीबन फिट हो गई पूरी, अब थोड़ा बहुत काम है, तो मुझे वहाँ पर हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। और आने से पहले मैंने आपको कहा था कि जब हम यहाँ सुबह आते हैं साफ़ सुथरे होते हैं बिल्कुल, और जब जाने का टाइम होता है, अभी तो तकरीबन 12 भी नहीं बजे और हालत खैर, ये ज़िंदगी और ये काम है। तो ये कुछ रूले वगैरह थे जो मैंने फिट किए हैं, अभी ये बाकी है, ये लगेगा उस साइड पर बीच में, फिर यहाँ से मशीन हो जाएगी कंप्लीट। और ये जो है ये कैमरा है,
और ये 9 लाख रुपए का कैमरा है। इस कैमरे की ख़ास बात यह है कि ये हाई स्पीड मशीन जब चल रही होती है, बहुत स्पीड के अंदर चल रही होती है, ये उस स्पीड के बीच में पेपर को रोक कर उसके क्लिक करता है। मतलब मशीन नहीं रुकती, पेपर चल रहा होता है, मगर ये क्लिकिंग ऐसी करता है कि रुका हुआ पेपर आता है और उसमें पता चलता है कि भाई क्या फॉल्ट है क्या नहीं। तकरीबन चीज़ें टाइट कर दी है, थोड़ी बहुत जगह है जिसको मेरे को स्क्रू वगैरह टाइट करने, उसके बाद फिर हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़कर कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और पता नहीं कुछ जगह खुली हो ना हो, तो देखते हैं क्या बनते हैं। खतरनाक गर्मी थी, शर्ट तक गीली हो गई थी, अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के फिर बात करेंगे। ये शानदार मौसम के अंदर जब हम रोड क्रॉस करते हैं भाग भाग के, वहाँ भी हमें देखना पड़ता है, और ये भाग दूसरी कंपनी के अंदर नमाज़ के लिए। अब यहाँ पर वजू वगैरह करके नमाज़ पढ़ने जाएंगे, पता नहीं जाने देगा नहीं। नमाज़ पढ़ने के बाद देख लो लड़के कितने चमक जाते हैं, डायरेक्ट नूरानियत आ जाती है, बरकत नूरानी चेहरा हो जाता है। तो सुबह के आए थे, रात हो गई, हालत तुम्हारे सामने। मैंने कहा था कि हम जब आते हैं सिर्फ तभी साफ़ सुथरे होते, उसके बाद फिर देख रहे हो पीछे मशीन, ये हाल होता है। सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि ये मशीन ऊपर है और बिल्कुल बीच से मशीन को निकाल के ले जाना, देख लो इट इज़ अ रिस्की काम, और बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि जब ये मशीन उठ रही हो तो सब गंदे इस तरह पीछे पीछे होते हैं। हम भी पीछे हैं भाई, हमें कोई जल्दी नहीं, देख लो हल्की सी मिस्टेक, मशीन मुंह के बल नीचे, देख लो लाइट कैसी लग रही है, हालत देख रहे हो, ये देख रहे हो ये हालत हो गई हम इंजीनियरों की। जब ये मशीनें उतर रही होती है ना तो वो जो सेट की हालत होती है ना, वो देख रहे हो बेचारे की, बहुत टेंशन में होता है यार, लाजमी बात है, करोड़ों रुपए से इसके हवा में लटक रहे हैं, डेढ़ पौने 2 करोड़ की मशीन है ये, पूरी अंधेरे में नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये फ़िलहाल आप देखो ये जो उतर रहे हैं ना सारे पैसे इसके हैं, कि कितना एहतियात से ही नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है सेठ की सांसें रिलैक्स होता जा रहा है, सेठ देख लो सांस भी ले रहा वो। सीन है कि जानी तकरीबन मशीन फिट हो गई है, बस अभी अजान हो गई थी मगरिब की, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर छुट्टी, फिर फ्रेश होके फिर जिम जाएंगे। कभी अभी नमाज़ पढ़ के आपके भाई बिल्कुल एक नूर आ जाता है नमाज़ पढ़ने के बच्चे रहते, और कुछ भी नहीं, बस फ़र्ज का फ़र्ज अदा हो जाता है, नूरानियत आ जाती, भले काले हैं तो क्या हुआ, नूर तो अल्लाह पाक दे रहा था। तो नमाज़ हो गई है, अब जाएंगे और चाचू को अलविदा करेंगे कि भाई बस अब और ना हो पाएगा हमसे, अब छुट्टी करनी है, अब जिम जाना है, जिम भी जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो भाई फाइनली हम अपने घर आ गए हैं और हालत अभी आपके सामने बिल्कुल फ्रेश, चकाचक नहा धो के हम बिल्कुल सेट हो गए। तो जिम जाने का सीन था बट वो ऑफ कर दिया हमने क्योंकि थकन, और अगर इस थकन में मैं जिम जाऊँगा तो मैं जिम से बजन नहीं होगा, तो मुझे जिम से बजन नहीं होना, कंटिन्यू गेम करना है। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर जाएंगे सुकून से तसल्ली से जिम, SOPs की पाबंदी के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।